देखी भले रहुआ भैया के दिल के बात पता चल गई बा, लेकिन अभी भी उनका दिल में पता ना कई गो ऐसा राज बा जोन हमनी के दोनों आदमी के जानल बहुत जरूरी बा। अमर भैया पे अब हमनी के ध्यान रखे के पड़ी, और खास करके भौजी रात के समय। कहल जाला ना, नेकी भी ओकरे साथे कल जला जे ओकरा लायक होला, लेकिन तू ओकरा लायक नहीं हो। जवन नेकी हम तोहरा साथे कली, वही नेकी के हथियार बना के तू हमार गला रेते पर लाग गेलू। और तोहरा का लागत है कि हम अपन गर्दन झुका दी बा तू गला काट देबू? ना, ये गलत फहमी में मत रहियो कि हम तोहार झांसा में आके हम अपन गर्दन झुका दी तोहरा आगे। ना, काहे कि अब तोहार कीमत हमार जिंदगी में दू कौड़ी का भी नहीं है। तू इंजग रहा, अपन बाबू जी कहीं जा, हमारा कोनो फर्क नहीं पड़ा। ये गलत फहमी नहीं खे भी होगी पापा, एगो पत्नी के अपना पति के ऊपर विश्वास बा, भरोसा बा, अपना पति के दिल के अंदर पल रहल हमरा प्रति प्यार के एहसास बा, और हमरा दिल भी यही कह रहल बा, और हमार दिल कपो हमरा के धोखा नहीं खे दे सकत। बाबू हमरा के माफ करता, हम तारा के तहर पापा के लगे से कभू ना खींचल चाहत रहनी है। हम तो बस ये जाने के चाहत रहनी है कि तहर पापा के दिल में तहरा खातिर पहले जैसे भाव बा कि ना, और हमरे के यही बुझाई कि अगर तहर पापा तारा के पहले लेखा प्यार करत हुईन तो वो तहार हाथ छोड़ दियन, वो तारा के हमने दोनों के बीच झूला लेकर ना झूले दिए। और बाबू तहार पापा तहार हाथ छोड़ देले वाड़न, और हमरा के पता चल गई कि आज भी तहार पापा तारा का पहला लेकर बहुत प्यार करन वाड़न। यू भले आज तारा के बहुत तकलीफ भइल बा, लेकिन आज तहारा पापा के सच तहारा खातिर साबित हो गई। भौजी देखी भले रहुआ भैया के दिल के बात पता चल गई बा, लेकिन अभी भी उनका दिल में पता ना कई गो ऐसा राज बा जोन हमनी के दोनों आदमी के जानल बहुत जरूरी बा, और ये सिर्फ और सिर्फ रहुआ कर सकता नहीं भौजी। वैसे अमर भैया पे अब हमनी के ध्यान रखे के पड़ी, और खास करके भौजी रात के समय। तू वहां के कब का करता नहीं हमनी खातिर जानल बहुत जरूरी बा। सुन लेनी रवा, आ देखा नी कातरा झूठ बोलता री। बाप रे बाप, ऐसा तो छुट्टी हम देखल ही ना रहनी। कहत रही है कि बाप घरे नहीं खान, बेटी खाती लड़का देखे गई बड़न। हमरा तो लगा था नू कि झूठ बोल बोल के चिपकली लेखा एक घर में चिपका रही है, और हमनी के छाती पर नू मुंह गलत रही है। तो का करी, हर बात पर बेइज्जती करत नहीं, लेकिन उनकरा तो जैसे कोनो बात के कोनो फर्क नहीं के पड़ा। ऐसा लगा था जैसे घर छोड़ के वो जेले नहीं चाहत, कोनो ना कोनो बहाना बना के बस एक घर से चिपकल रहो, ये जाना दनिया। अरे और तो और, अब तो हमरा से झूठो बोले लगले। कन्या जवन कुछ भी कर रहल बाड़ी ओकरा में हमनी के फायदी बा। अरे जब तक हम प्रधानी के जिम्मेवारी खातिर दूसरा के फाइनल ना कर देता नहीं, तब तक तू लोग उनकरा के घर ही में रह दो। अरे हम वीडियो साहब के फोन कैले रहनी, उनकरा के कहे के मुताबिक कनिया के यही जे राखे के पड़ी।
ना तो जैसा ही घर छोड़ के जई हनू केहू केहू सरकारी आदमी है जहाँ के प्रधानी के काम करे लगी और फिर हमनी के परिवार के प्रधानी खत्म हो जाए। यही से अब ही कुछ नहीं के करे के कन्या के उनकर के बस शांति से बा। अगर वो ज्यादा परेशान करी और चल गई तो सुन लो मुश्किलें हो जाए। और हाँ ये बात हम तीनों के अलावे घर में केहू के बताना चले चाहिए ना तो प्रधानी खटाई में पड़ जाए खटाई में पड़ जाए खटाई में पड़ जाए। पीहू के पापा कहाँ जा रहे बने? बहन 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 आप यहाँ क्या कर रही हैं? नहीं की दुल्हन तू अभी तक जागत बाड़ू? हाँ वो हमने आपसे कहा था ना कि आप अमरजी की देखरेख करेंगी उनका ध्यान रखेंगी और मैं पीहू की जिम्मेदारी उठाऊंगी। तो बस हम तो सोने ही जा रहे थे लेकिन अचानक से याद आया कि कल पीहू को नाश्ते में क्या देना है और फिर पीहू को क्या पसंद है ये तो मैं जानती भी नहीं ना, तो सोचा कि आप ही से पूछ लेती हूँ और फिर मैं आपको सुबह सुबह परेशान भी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए जानने के लिए मैं आप ही के पास आ रही थी और देखा कि आप यहीं पर खड़ी हैं। तो कोनो बात नहीं कहने की दुल्हन, ठीक बा जी।
आखिर पीहू के पापा अलमारी में इसने कौन चीज छुपा के रख ले बानी? अभी तक रसोई घर के बल्ब का है जल रहा बा। पापा एजा एलवानी अभी रसोई घर में खाकर खातिर एलवानी बात का पीहू के पापा पहले चुपचाप स्टोर घर में गए ने, फिर वहां के पता नहीं अलमारी में का रखने, कुरा बाद रसोई घर में आई ने, ना पानी पीने ना कुछ कही नहीं। आखिर ऐसे कौन बात बा जो उनकर दिमाग में चल रहा बा? जी मतलब अभी तक ये रात में मतलब किचन में का कर रहे नहीं रहुआ? कुछ नहीं बबुआ जी, हम तो बस ऐसे ही, लेकिन रहुआ ऐसा का करत पानी? अरे हमरा तो सुते से पहले पानी पिए की आदत बाहर, आज पानी रखल भुला गए है, तनि हम पानी पिए, लेकिन रहुआ इन्हें उन्हें देखत रहे कुछ खोजे तो नहीं का किचन में? बबुआ जी वो कहा है ना कि एकर मतलब भी बाबू जी कि मतलब अमर भैया जबन कुछ भी कहे बड़े ईजा ना स्टोर रूम में, कहे कि अगर ये स्टोर रूम के अगर दरवाजा खोलने बड़े तो चल के हम कौजे देखे के चाहे, जरूर कुछ ना कुछ हो जा मिले। चलिए बबुआ जी, आई बबुआ जी, बबुआ जी ये अलमारी में पीहू के पापा कुछ रख ले बानी, लेकिन भौजी में तो ताला लागल बा और जब तक खोली ना तो अंदर कौन दांत छुपल बा कैसे पता चले कि में का बा? बबुआ जी हमरा ये सब नहीं मालूम, बस हमरा के ये जाने के बाद कि अलमारी के अंदर ऐसा कौन चीज बा जेकरा पीहू के पापा छुपावत बानी, कुछ भी करी कैसे भी करी ताला के खोली बस। एकर मतलब भी हमरा ताला के तोड़े के पड़ी, जैसे ताला टूटी अंदर कौन सच्चाई छुपल बा खुद पे खुद बाहर आ जाए, और यहाँ से तो टूटी ना भौजी, रुके हम थोड़ी खोज के ले आते ने। बबुआ जी ओजा देखी ना? हाँ भाजी रुकिए, इका और अलबा, इका और अलबा, इका और अलबा। अब उका कि भैया हमार दूरबीन मिलत ना रहे, तो हम भौजी से पूछनिया कि भौजी हमार दूरबीन देखनी है का, तो यहाँ के कनिया की देख ली बबुआ जी शायद स्टोर रूम में अलमारी में रखल होके, तो बस उहे हमने के देखा था निजा। अच्छा अब तू इतना पढ़ ले बड़ा कि हमरा के पढ़ावे चलल बड़ा है?
ये हमार अलमारी हो। अब मैं दूरबीन बा कि चांद सितारा बा ये हमरा के बहुत अच्छा से मालूम बा, बुझा गई। और बहुत लोगों के दिमाग में और दिल में का चल रहा बा ना, यो हमरा के बहुत अच्छा से पता बा। आज का बाद अगर ये अलमारी का आसपास भी तुम लोग दिखाई दे ला जाना तो वो हाल करब कि चांद सितारा देखे खातिर दूरबीन का जरूरत ना पड़ी, बुझा गई। अब का है रोजी? बहुआ जी कैसे हो करके अलमारी के अंदर से कौन राजबा जो पीहू के पापा छुपैले बानी वो हम जान के भी रह, चाहे ओकरे खातिर हमने का कुछ हो करे के पड़े वो हम करब। हमरा मालूम बा आरती तिवारी कि तोहरा हमरा पर शक हो गइल बा। पीहू के पापा जैसे रउआ कह रहल बानी नू उसे तो शक होकल वाजिब बा, कुछ तो राज बा जवन रउआ छुपा रहल बानी। लेकिन जवन ही राज बानू वो हमेशा तोहरा खातिर राज ही रही, उनो कीमत पर इराज द्वारा के हम पता ना चले थे। जब तक हम इराज ना जान ले हम चैन से ना बैठा, इराज के पर्दाफाश होके के रही काहे से कि हमरे से ज्यादा पीहू खातिर जरूरी बा। अगर इराज राज रही तो हमरा लेखा ही पीहू के जिंदगी भी अंधेरे में भटके लागी। ऐसे इराउर राज जानल हमरा खातिर ही ना पीहू के भविष्य खातिर भी जानल बहुत जरूरी बा। आरती के हमरा ऊपर शक हो गया बा। आज पहला बेर वो हमारे पीछे पीछे स्टोर रूम तक आ गए। बस कौनो भी हाल में आरती के सच्चाई का पता ना चले के चाहिए। ये बात के द्वारा के ध्यान रखे कि वो भरोसा किया है मुझ पर, मैं आपके भरोसे को तोड़ूंगी नहीं। मैं वादा करती हूं बहन को राज का पता नहीं चलने दूंगी। जो राज है वो राज ही रहेगा।